हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक योर फ्यूचर एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी डेली जीएस मोस्टर सीरीज जो हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। अभी रिसेंट आपका यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का पेपर है, तो आप इस चीज को फोकस करके चल सकते हैं। एंड आप अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। क्लियर? एंड आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपका अनअकैडमी के ऊपर आपको जो है लर्नर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, ठीक है? तो उसमें आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पे फॉलो बटन दिखाई देंगे, तो फॉलो कर सकते हैं मुझे यहाँ पे। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं तो आप मुझे यहाँ से यहाँ पे मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी मैं रिसेंट अपना टारगेट 2019 का जो टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ, और टारगेट 2019 में मैं अभी रिसेंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके प्रीलिम्स को टारगेट करके हुए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो लेके चल रहा हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको फ्री में लेक्चर सारे अवेलेबल हो जाएंगे पीसीएस फॉर एंड यूपीएससी के लिए। क्लियर? सो आज के लेक्चर के अंदर हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं 20, जैसे पहले करते आए हैं। क्वेश्चन को देखना है, चार ऑप्शन है, आंसर देना है आपको, फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है, और कमेंट बॉक्स में आपने नंबर लिख के बताना है कि कितने कमेंट बॉक्स में आपको जो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपकी प्रेपरेशन कैसे चल रही है। सो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हमारी जो अल्कोहल है अफेक्ट करती है, वो किस पार्ट के ऊपर अफेक्ट करती है। देखिए, जो अल्कोहल है पर्सन के जो है पोस्चर को चेंज करती है, ठीक है? तभी पर्सन जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है। डेट मीन्स ऐसा ऑर्गन जो हमारा पोस्चर को मेंटेन करेगा वो कौन सा है, वो है हमारा सेरिबेलम। सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी डीमेरिट है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, डीमेरिट मतलब नेगेटिव सेंस में बात बोल रहा है वो। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के आपके जो लोग हैं इलेक्ट करके इनको चुनते हैं। देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली पता है गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ये आपका तो ये डीमेरिट जो है ये है, ठीक है, ये चलता ही है, ठीक है। और दूसरा है आपका कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल है जी, आपके जो जितने भी टिकट्स देते हैं आपको प्रॉपर तरीके से वैसे ही आपको वोट करनी पड़ती है, आपके जो लोगों को चुनना पड़ता है। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द पॉलिसीज, बिल्कुल पॉलिसीज आर नॉट सर्टन, कभी भी चेंज हो सकती हैं। सो डेट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर द रीजन फॉर द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो पत्ता होता है, एक प्लांट होता है, वो ग्रीन क्यों दिखता है। देखिए, जब लाइट आती है तो वो ग्रीन कलर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन कलर जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, ग्रीन कलर शो करेगा, एंड इसीलिए रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। क्लियर? और जो आपका प्लांट्स का जो प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो आपके क्लोरोफिल जो आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मैग्नीशियम होता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो आपके पत्तों को ग्रीन कलर पॉइंट करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है ये, एंड साथ के साथ इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल वर्ड भी यूज किया जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है, याद रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का जो लिटिल मीनिंग है वो क्या होता है। भक्ति जो होती है, भक्ति का मतलब होता है जी किसी के साथ जो भी दिल से अटैचमेंट आपकी, ठीक है, आप किसी के साथ पार्टिसिपेशन में हैं, यानी कि आप किसी तरीके से आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई पार्टनर है आपका, भक्ति है आपकी, ठीक है, लव किसी के बहुत ज्यादा आप दिल से चाहते हैं, फेथ आपका कितना फेथ है उसके अंदर, एंड डिवोशन। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द भक्ति। क्लियर? सो भक्ति इन सारे वर्ड्स को कौन दिखाता है, आपका सालवेशन, जो आप मुक्ति कहते हैं, मुक्ति पाना, ठीक है। सो भक्ति इज मुक्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधानिक असेंबली ने जो है कब अडॉप्ट किया था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना स्टार्ट हुआ था, वो बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, और बना कब था, 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या कहते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्लियर? बट इसके बाद हमारा जो हमने अडॉप्ट किया था वो 26 जनवरी 1950 को, इसको हमने अपने देश में अडॉप्ट कर लिया था। क्लियर? द रीजन वाई, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे पूर्ण स्वराज सेशन मनाया हुआ था। हमारे पूर्वज जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पहले, जो दैट इज जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाहौर सेशन में मनाया था,
तो इसीलिए असेंबली ने हमारा जो संविधान है इसको कब जो है एक्सेप्ट किया था, दैट इज 26 जैन 1950, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ग्रुप ऑफ एट कंट्रीज के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ एट कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, फ्रांस आती है, जर्मनी आती है, इटली आती है, इटली इंडिया में समझ लेना इसको, इटली आती है आपका, यूके आता है, जापान आता है, यूएस आता है, कनाडा आता है एंड रशिया आता है। ठीक है, सो ये लोग हैं जो आपके ग्रुप ऑफ एट के अंदर आते हैं। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है ये वो पूछा है इन्होंने। इनकी कॉमन करेंसी है फॉर द ट्रेड विद ईच अदर, नो दे आर नॉट, दे हैव नॉट द कॉमन करेंसी, तो ऑप्शन एक तो गलत हो गया। दूसरा है रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ एट हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, बिल्कुल हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है तो ये ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा ऑप्शन ओनली टू। क्लियर। और ये ग्रुप ऑफ एट जो है वो किस चीज के ऊपर बात करता है, जितने भी कंट्री के अंदर वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के इश्यूज चलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात करता है, क्राइसिस के ऊपर बात करता है, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है। क्लियर। और जितने भी एनर्जी एनर्जी प्रोग्राम टेररिज्म को भगाने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजें इनमें जो ये लोग काम करते हैं इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट होता है एच, ठीक है, सो प्लैंक कांस्टेंट होता है एच, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और इसके यूनिट होते हैं एनर्जी होता है जूल और फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड, जूल सॉरी फ्रीक्वेंसी इज जूल सेकेंड, ठीक है, और इट्स जूल पर सेकेंड। क्लियर। सो इसीलिए टाइम इसके यूनिट क्या बन जाते हैं, एम एल टी माइनस वन, एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन, एंड इसी सेम यूनिट जो है आपकी वो किसके हैं, एंगुलर मोमेंटम की। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम, संवेग जिसे आप कहते हैं, आर इज लेंथ, मोमेंटम इज मास, साथ होता है वेलोसिटी, एम इंटू वी होता है, ठीक है, एल इंटू एम इंटू वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज लेंथ अपॉन सेकेंड, इसलिए क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। सो सेम यूनिट है जी, डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम के। नेक्स्ट है जोरांडा फॉल्स, जोरांडा फॉल्स जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के अंदर, तो इनकी जो है हाइट कितनी है ये पूछा गया है। पहली बात तो जो जोरांडा फॉल्स है बिल्कुल आपके उड़ीसा के अंदर जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है आपका, सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क के बिल्कुल कोर एरिया में आते हैं, तो इसीलिए जो इनकी जो हाइट है वहां पे कितनी है, 150 मीटर। क्लियर। सो 150 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा इन द ईयर 1527, बिल्कुल ऑप्शन सही है जी, ये जो लड़ाई हारे थे बाबर से हारे थे, ठीक है। दूसरा है एन एलाई ऑफ राणा सांगा हसन खान मेवाती बिट्रेड हिम ड्यूरिंग द बैटल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, राणा सांगा ने एक अलायंस बना के जो है वो किसके साथ अटैक किया था, वो बाबर के ऊपर अटैक किया था, और बाबर के पास जो था ओटोमन एम्पायर से आया हुआ था, इनके पास आर्टिलरी थी, ठीक है, आर्टिलरी थी और इनके पास जो है नॉर्मल हथियार होते थे, तो इसीलिए जो बाबर की जीत मतलब पक्की ही थी। तो क्या हो गया कि जब लड़ाई होती है तो राणा सांगा जो है वो चित्तौड़ भाग जाता है, चित्तौड़ के किले में, और चित्तौड़ में वहां पे जो इनके चीफ होते हैं वो इनको यहाँ पे पॉइजन दे देते हैं, चित्तौड़ में पॉइजन दे देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर। सो इसीलिए किसी पर्सन ने बिट्रेड नहीं किया था बैटल के अंदर, ये भागे थे खुद, ठीक है। सो इसीलिए हमारा जो असर्शन तो जो हो गया करेक्ट हो गया, लेकिन रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन बन गया, डी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेबी स्टैचुटरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वो है स्टैचुटरी बॉडी। ये कब बना था, 1992 में स्टैचुटरी बॉडी बना था, अदरवाइज ये बना कब था, 1988 में। क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। क्लियर, मुंबई। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगया गंगाई फॉल्स कहाँ पे है। देखिये जो अगया गंगाई फॉल्स है जो आपकी कोलाई हिल्स है, कोलाई हिल्स ईस्टर्न घाट में, ठीक है। सो वहां पे ये जो है लोकेट करते हैं, और ईस्टर्न घाट के किस पार्ट में है, तमिलनाडु वाले पार्ट में है, और साथ के साथ जो इनकी जो फीट है, हाइट है वो कितनी है, 300 फीट, और किस रिवर के ऊपर है, आयारू रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है तमिलनाडु। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमारे चीफ करंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ जो है चीफ करंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, वो है जी हमारे राधा कृष्ण माथुर। क्लियर? सो राधा कृष्ण माथुर ये जो है जितने भी हम आरटी डिपार्टमेंट के लिए बात करते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उनके ऊपर है ये, वो उनके चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने हमारी सर्विसेज हैं जो हमारी सर्विस टैक्स के अंदर इंक्लूड की गई हैं, कितनी सर्विसेज के ऊपर टैक्स देते हैं हम, 119 चीजों के ऊपर। क्लियर? स्टैटिक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने चंगेज खान को इंडिया से इंडिया में एंटर नहीं होने दिया था, जब वो जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था और जलालुद्दीन ने शेल्टर मांगा था, वो कौन थे, वो थे इल्तुतमिश। क्लियर? सो इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो पहली फर्स्ट एंड जो है लास्ट, जो फर्स्ट एंड द लास्ट आपकी मुस्लिम लेडी है जिन्होंने इंडिया के ऊपर जो है वो रूल किया है। ठीक है? सो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर काम करता है, रॉकेट प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर काम करता है। रॉकेट प्रिंसिपल, जैसे आपका रॉकेट जैसे ऊपर गया और पीछे वो धुआं छोड़ता जाता है, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी पीछे हो रहा है, तो डेट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन का जो लॉ है वो कौन सा, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे वन जो है वो किस जगह के ऊपर लोकेट कर रहा है, किस रिवर के ऊपर लोकेट करता है, जो नेशनल वाटरवे वन है ये कहां से, गंगा से भागीरथी एंड हुगली रिवर जो है ये आपका नेशनल वाटरवे वन बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जो आपका चलता है जी हल्दिया से प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। ठीक है? सो प्रयागराज, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1620 किलोमीटर। ठीक है? और ये सबसे जो है हमारा लॉन्गेस्ट रनवे है। क्लियर? सो ये कौन सी रिवर के ऊपर है, गंगा रिवर के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मेमलूक सिग्निफाई, मेमलूक वंश भी कहा जाता है जिसे आप सलीम डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है? जिसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनके संस्थापक थे, और इल्बरी डायनेस्टी भी वर्ड यूज किया जाता है, सलीव डायनेस्टी वर्ड भी यूज किया है, तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं। ठीक है? सो मेमलूक वर्ड का मतलब क्या होता है, कि ऐसे बच्चे जो आपके ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं वो स्लेव पैदा होते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है वो उस टाइम पे क्या थे, जो है आजाद थे। ठीक है? सो इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। सो स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज को एम नहीं करता, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये होता क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेन करना मतलब आपको ऐसे चलना कि आप सस्टेन कर सके, आप आगे भी काम कर सके। ठीक है? तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, कि कंट्री को लेके चल रहे हैं, कि आज आपने ऐसी, आपके पास अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी सारी है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी इतनी सारी यूज कर देना, पानी इतना, सपोज करो कि पानी है, ठीक है, सो पानी इतना सारा है तो सारा का सारा पानी नहीं यूज कर देना, हमने पानी बचा के चलना है, यानी कि इतना यूज कीजिए, फिर उसके बाद इतना यूज कीजिए, फिर इतना, इस तरीके से आप जो है फ्यूचर जनरेशन को भी आप ये पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने आज ही पानी सारा यूज कर लिया तो क्या होगा, तो सारा का सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, और एट द एंड फ्यूचर में कोई भी आपको जो है पानी नहीं मिलेगा। बहुत सारे जगह के ऊपर आपने देखा होगा, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज भी आते हैं, एक पानी की बॉटल ले रहा होता है, पहले 10 रुपए देता है, फिर 50, फिर 100, फिर 2000, फिर 5000, फिर सोना भी गिरवी रखता है, तो वो रीजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है? कहने का मतलब क्या है, कि वो आप सस्टेन करो, आपको इतनी चीजें यूज करनी है ताकि आप प्रेजेंट का यूज कर लो लेकिन फ्यूचर भी बचा के चलना है। ठीक है? सो इन्होंने कहा है किस चीज के ऊपर एम नहीं करता। क्लियर? सो देखते हैं क्या है, डेवलपमेंट दैट नीड्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि आज की प्रेजेंट की नीड्स देखनी है, बिल्कुल करनी है जी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है? तो ये तो ऑप्शन आंसर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, बिल्कुल करनी है, विच ऑप्टिमाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल सोसाइटल बेनिफिट, बिल्कुल अवेलेबल इन द प्रेजेंट, बिल्कुल विदाउट स्पॉइलिंग, बिल्कुल जी अपना फ्यूचर को स्पॉइल नहीं करके चलना। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? सो ये भी ऑप्शन क्या है, हमारी सही होगी। ठीक है? सो रीजनेबल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग दैट कैन बी परपेचुएटेड कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना ही करना है, ये भी ऑप्शन सही है। क्लियर? सो फोर्थ है मैक्सिमाइजिंग द प्रेजेंट डे बेनिफिट्स थ्रू द इंक्रीज रिसोर्स कंजम्पशन, नो दिस इज नॉट द राइट। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल नॉट एम, दैट इज डी ऑप्शन, यानी कि आपको प्रेजेंट को बचा के चलना है ताकि आप फ्यूचर के अंदर यूज कर सके इन चीजों को। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कौन सा हमारा आर्टिकल है जिसके अंदर रिट्स वर्ड लिखा गया है। पहली बात तो जो रिट्स हैं वो हमारे यूके कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ड लिया गया है और रिट हमारी कितनी है, 5 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स के लिए हम बचा सकते हैं, आर्टिकल 32। क्लियर। सो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 जो है हमारा हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, सो आपको आंसर ये देखना है, तो आर्टिकल 32 इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, करेवा फॉर्मेशन क्या होता है। करेवा जो वर्ड होता है ये बहुत ज्यादा जो है ग्लेशियल होते हैं, ग्लेशियल क्ले है। ठीक है, सो ग्लेशियल क्ले है जो आपके मटेरियल की ऊपर जो है वो डिपॉजिट होती रहती है और जिसके आपके मोरेन्स जो होते हैं वो इसके अंदर जो है इम्बेड होते रहते हैं, बर्फ वाले एरिया के अंदर बात हो रही है। सो ये मेनली किस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कश्मीर रीजन के अंदर। ठीक है, और कश्मीर आ सकता है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज वर्ड आ सकता है, तो एट द एंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां पे एक कल्टिवेशन होती है जफर कल्टिवेशन, उसके लिए जो है हेल्पफुल होता है। तो करेवा फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है जी, कश्मीर हिमालयाज में। ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न लिखा है, अगर नॉर्थ वेस्टर्न लिखा होता तब भी ये आंसर सही हो जाता, कश्मीर हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स अपने नंबर लिख के बताइए कितने आपके नंबर आए हैं और कैसे आपको प्रेपरेशन चल रही है। क्लियर। सो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ऑब्वियसली बात है, शेयरिंग इज केयरिंग एंड नॉलेज भी आपको बांटने से ही बढ़ती है। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।